अयोध्या में प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया। नागपुर में भी राम भक्तों ने जल्लोष किया था। फटाके, रामधुन, सुंदरकांड आदि के लिए राम भक्तों ने शहर के हर चौराहे पर काफी भीड़ की थी, जिसे लेकर सैकड़ों राम भक्तों पर पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई को पीछे लेने के लिए शहर के विधायकों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया है। अयोध्या में 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शिलान्यास किया गया। ठीक उसी तरह से नागपुर के अधिकतम चौराहों पर राम भक्तों ने फटाके फोड़े, मिठाई का वितरण किया, लाउड स्पीकर राम धुन बजाई, आरती की और सुंदरकांड का पठन भी किया था। दिन भर शहर में अलग अलग जगहों पर सैकड़ों की तादाद में राम भक्तों ने जल्लोष किया। एक तरफ कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना आदि कोरोना के नियम है, लेकिन राम भक्तों द्वारा सरेआम इस कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिससे शहर पुलिस सैकड़ों राम भक्तों पर कलम लगाकर कार्रवाई की थी। इस बात का निषेध करते हुए शहर के विधायकों ने नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय इनसे मिलकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें राम भक्तों पर लगाए गए कलम हटाना और पुलिस द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया गया है उसका पुरजोर विरोध विधायकों द्वारा किया गया। इस दिए गए ज्ञापन के बारे में पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े इन्होंने मीडिया को जानकारी दी। कि आज जो ज्ञापन दिया गया है ये देने के पीछे का उद्देश्य क्या था? देखिए कि राम मंदिर के 5 तारीख के भूमि पूजन के दिन राम भक्तों ने हिंदू समाज के कई कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने उत्सव मनाने का प्रयास किया, और जब भूमि पूजन चल रहा था तब कुछ जगह मिठाई बांटना, कुछ जगह भजन करना, पूजन करना, ये कार्यक्रम चालू थे। तो वह अचानक पुलिस ने आके 188 का गुना दाखिल कर दिया, 150-200 कार्यकर्ता पे गुना दाखिल किया और कई कार्यकर्ताओं को नोटिस दी, जैसा तड़ी पार होते हैं ऐसे नोटिस दे दी सभी कार्यकर्ताओं को। हमने अभी तक कुछ नहीं बोला, हमने कहा कि आज पुलिस को ये बात हमने अवगत कराई कि उस दिन का पुलिस का रवैया कुछ अच्छा नहीं था। हम उस दिन कोई संघर्ष नहीं करना चाहते थे, हमारा पुलिस से कोई संघर्ष करने का इरादा भी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने और पुलिस ने जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन कार्यकर्ताओं ने, हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने किए हुए कार्यक्रम को जिस प्रकार से उद्ध्वस्त करने का प्रयास किया और 188 के गुने दाखिल किए, वो गुने वापस लेना चाहिए। इसलिए हम प्रवीण दटके जी, हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष और एमएलए है, गिरीश व्यास एमएलए है, हमारे कृष्णा भाव एमएलए है खोपड़े जी, माननीय विकास कुंभारे जी एमएलए, शिवानी दानी हमारी भाजपा की नेता है, हम सब लोग आए हैं। हमारा कहना है कि उन्हें वापस लेना चाहिए, और जिस प्रकार से संघर्षमय वातावरण पुलिस की तरफ से हो रहा था, हमारी तरफ से नहीं हो रहा था, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी धर्म के, सभी समाजों के त्योहार में जब कोई बात आती नहीं है और उस दिन राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में ये संघर्ष में बात हुई, हमारे तरफ से हमने संघर्ष नहीं होने दिया, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने निवेदन दिया है। खिलाफ क्या कोर्ट में कोई पिटीशन दायर करने वाले हो? निश्चित रूप से करने वाले हैं, क्योंकि जब वो चार्जशीट दाखिल करेंगे, हमने कहा है उनके अधिकार में आता है गुना वापस लेना, पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी है गुना वापस लेने की, कोई नुकसान नहीं हुआ है जानमाल का, कोई सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया है, उनके अधिकार में कमेटी है, वो कमेटी का तुरंत निर्णय ले और गुने वापस करे, नहीं तो कोर्ट से करेंगे। बट जिस प्रकार से उस दिन में वातावरण तैयार हुआ था, क्लाइमेट तैयार किया गया था, सारे तरह से संचार बंदी टाइप, तो कोई तो हम लोग गुनहगार नहीं थे, जिनको नोटिस दी गई वो सब कोई गुनहगार नहीं, कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, जिन पे गुने दाखिल हुए वो कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, नागपुर में कई हिस्ट्री शीटर घूम रहे हैं, कई जगह जमा तैयार हो रहा है, कई जगह जमाबंदी हो रही, अभी भी जाके देखिए कई जगह जमाबंदी है, जमाव है, पाठ के ऊपर कई लोग खड़े रहते हैं कई जगह। तो ये उस दिन में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन ये करना, ये कुछ अच्छा नहीं था। अगर संचार बंदी का नियम लागू करना है तो नागपुर में चलिए, 1000 स्पॉट ऐसे है जहाँ संचार बंदी का उल्लंघन हो रहा है, 1000 स्पॉट है नागपुर के अंदर, ने उसके बारे में हमारा कहना नहीं है, लेकिन उस दिन जिस प्रकार से संघर्षमय वातावरण पुलिस की तरफ से किया गया, हम लोगों ने, सारे लोगों ने शांतता मार्ग से ये कार्यक्रम किए। अब पुलिस को विनती है कि दोबारा हिंदू धर्म के कार्यक्रम के लिए ये जो बात, ये जो दड़पण आता है, हर बार नोटिस दी जाती है, हर बार समाज को, जो धार्मिक कार्यक्रम करने वाले को छेड़ा जाता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सर कहना चाहूँगी, क्योंकि धारा 144 भी अभी भी बरकरार थी,
देखिए कि हमने ये नहीं कहा कि धारा का उल्लंघन करना चाहिए। अब अलग अलग तरह से लोग खड़े थे, भजन के लिए 5 लोग खड़े थे, एक तो बच्ची रंगोली निकाल रही थी, सिंगल अकेली थी, उसकी रंगोली जब्त कर ली, एक बच्ची थी ओनली। तो ऐसे एक होर्डिंग प्राइवेट जगह में होर्डिंग लगा था, वहाँ पर भी कार्रवाई हुई है, जो नियम से उसके बारे में हमारा कहना नहीं है, लेकिन कई कार्रवाई ऐसी है जो प्राइवेट लैंड पे भी की, अकेले आदमी पे भी की, रंगोली निकालने वाले पे भी की, झंडा लगाने वाले पर भी की है, लाड़ू बांटने के ऊपर की गई। तो ये जिस प्रकार से माहौल तैयार किया गया नागपुर के अंदर पूरा कार्यक्रम को संघर्षमय बनाने का, ये हमारे तरफ से नहीं हुआ, पुलिस की तरफ से हुआ। तो मेरी विनती, हमने सबने विनती की है पुलिस हाई कमिश्नर को कि अभी दोबारा हिंदू समाज के या कोई भी समाज का कार्यक्रम रहे, इस प्रकार से संघर्षमय वातावरण ना तैयार करे, संचार बंदी का नियम सभी को लागू करे, कोई अकेला भारतीय जनता पार्टी या हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं के ऊपर नहीं, सभी समाज को, सभी धर्म को, सभी सनों के ऊपर लागू होना चाहिए। अगर करना है तो सभी का लागू करो, हमारा कोई कहना नहीं है किसी धर्म के खिलाफ और किसी जाति के खिलाफ, लेकिन त्यौहार आता है, कोई भी समाज का त्यौहार हो, उस त्यौहार में पुलिस की तरफ से संघर्ष में वातावरण नहीं होना चाहिए, ये कहना है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में इस समय में इनबिसिन की टीम है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि 5 तारीख को जिस प्रकार से शिलान्यास अयोध्या में जो किया गया, जिसके चलते लोगों में एक हर्ष का वातावरण था और पूरे नागपुर शहर के हर चौराहों पर राम का कार्यक्रम जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, शिलान्यास का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था, पटाखे फोड़े गए थे, सुंदर सुंदर रंगोलियां निकाली थी, गई थी, राम धुन भी बज चुकी थी, इतने नहीं तो सुंदरकांड का पठन भी किया गया था, बैनर पोस्टर भी थे। ऐसे में नागपुर शहर के पुलिस प्रशासन द्वारा इन लोगों पर पाबंदी की गई और जिसके चलते इन तमाम कार्यकर्ताओं को नोटिसें भेजे गए, ऐसा ये विधायकों का कहना है। और इसी बात से खफा होकर विधायकों ने अपने कार्यकर्ता के ऊपर में लगे जो एलिगेशंस है उसको दूर करने के लिए और पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उनके ऊपर में जो कलम लगाया उसको वापस लिया जाए, इस बात को लेकर शहर के तमाम विधायक आज पुलिस कमिश्नर से मिले, उन्होंने इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया। और उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि अगर केसेस को वापस नहीं लिया जाता तो पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट में कोर्ट में जाके वे पिटीशन दायर करने वाले हैं। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।